नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस संक्षिप्त चर्चा में हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सामाजिक विज्ञान टीजीटी के परीक्षा के परिणाम के पूर्व में जो है इसके कट ऑफ को लेकर के जो है आधारित है, और इसके कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो यह पूर्वानुमान है वो बेसिकली हमारी टीम के जो है एक्सपर्ट इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विभिन्न प्रकार के जो अभ्यर्थियों के फीडबैक, प्रतिपुष्टि और परीक्षा प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर के आधार पर निकाला गया है। यह इसलिए निकाला गया है ताकि आप लोग जो है अपने प्रश्न पत्र के जो है सही प्रश्नों के आधार पर परिणाम के पूर्व में यह निष्कर्ष निकाल सकें कि हमारी स्थिति वहां पे कहां तक जो है बन रही है। यद्यपि इसमें आप लोगों के लिए जो प्लस पॉइंट यह है कि सीटें ज़्यादा थी इसलिए मेरिट इसकी कम जा सकती है, और दूसरी बार यह है कि परीक्षा के कुछ सेक्शन यानी कि इसी विषय में चार जो सेक्शन हैं उनमें से कुछ सेक्शन काफ़ी टफ थे इसलिए भी मेरिट कम जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें साक्षात्कार नहीं है, तो इन साक्षात्कार न होने के जो आधार पर विभिन्न प्रकार के जो है अनिश्चितताओं से आपको बचने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब अनिश्चितताएँ होती हैं तो मेरिट कहाँ जा सकता है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कई बार जो है चयन बोर्ड में अच्छे मार्क्स देने का ट्रेंड होता है, कई बार सामान्य होता है, कई बार काफ़ी कुछ कम दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी दशा में आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और ये तीनों ही प्रकार की बातें अपने अपने स्थान पर जो सही हैं कि सीटें ज़्यादा हैं तो मेरिट रिलेटिवली जो है कम जाएगी अन्य वर्षों की अपेक्षा, और दूसरा यह है कि प्रश्न पत्र टफ थे तो ऐसी स्थिति में जो है मार्क्स जो है कम आएंगे, यानी कि उसके कट ऑफ सभी जो है अलग अलग वर्गों के लिए भी जो कम जाने की संभावना है। तीसरा जो है वो अनिश्चितता से आपको बचने में मदद मिलेगी, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जो कि आप लोगों के लिए इस भर्ती के रूप में आई हुई है। तो हम इन तीनों बातों के बाद जो है कट ऑफ पर जो है चर्चा कर लेते हैं, जो कि एक्सपर्ट और विभिन्न अभ्यर्थियों के दिए गए प्रतिपुष्टि और परीक्षा प्रश्न पत्र के स्तर के आधार पर बनाया गया है। तो इसमें जो है पुरुष और महिला की अलग अलग मेरिट जो है बनती है, तो हम उसे जो है अलग अलग रूप में जो है यहां पर बताते हैं। किसी भी विषय में जो है सामान्यतः इस तरीके से जो है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और इसी प्रकार से महिला वर्ग में भी जो है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के रूप में जो है मेरिट जारी किया जाता है। तो चूंकि जो तीन बिंदु हमने बताया वो तीन बिंदु क्या है, सीटें ज्यादा थी, सेक्शन कुछ टफ थे और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के अनिश्चितताओं को दूर किया गया है, तो इन सभी बातों का जो है विश्लेषण करने के बाद जो है एक निष्कर्ष निकाला गया है कि अनरिजर्व के लिए जो मेरिट जा सकती है वो 91 के आसपास रहेगी। अब ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है कि 90 या 92 क्यों नहीं। तो जो एक्सपर्ट और विभिन्न लोगों के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया है उसके आधार पर ये डेटा आया है, तो जो डेटा आया है हम उसमें क्यों छेड़छाड़ करें। तो कहीं ना कहीं इस चीज को निरपेक्ष बनाने का जो प्रयास किया गया है। अब ये बात और है कि इसमें प्लस माइनस जो है टू क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसमें इतना फ्लक्चुएशन हो जाए। इसी तरीके से ओबीसी वर्ग के लिए जो मेरिट है वो आपके 88 जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें जो है दो से तीन सवाल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार जो है तीन सवाल जा सकते हैं क्योंकि सीटें जो है ज़्यादा हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए जो इसकी मेरिट जो है वो 85 बन सकती है, और इसी तरीके से एससी वर्ग के लिए इसकी मेरिट जो है वो 82 जा सकती है। अब यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में जो मार्क्स का जो डिफरेंस है वो इस परीक्षा के नहीं बल्कि विभिन्न परीक्षाओं में जिस तरीके से एक ट्रेंड बना हुआ है जो है कट ऑफ के बीच अंतर रहने का, उसके आधार पर ये मेंटेन किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो कट ऑफ है वो आपके परीक्षा के बाद जो चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कट ऑफ के लगभग आसपास होगा, और इन सभी में प्लस माइनस टू होने की जो संभावना है। इसी तरीके से अगर महिला वर्ग में देखा जाए तो महिला वर्ग में जो है अनरिजर्व के लिए जो है मेरिट आपकी 82 के आसपास रहने की जो संभावना है। इसी तरीके से जो है ओबीसी वर्ग के लिए जो मेरिट आपकी जाएगी वो
77 जा सकता है और यहां पर भी जो है उसी तरीके से प्लस माइनस 2 की संभावनाएं रहेंगी। ईडब्ल्यूएस में पुनः उसी तरीके से जो है आप में अंतर जो देखने को मिलेगा यहां पे, तो ये 73 क्वेश्चन जा सकता है और इसी तरीके से एससी वर्ग के लिए जो है 70 अराउंड या प्लस माइनस 2 क्वेश्चन यहां पर बनने की जो है संभावना होगी। तो ये जो है टीम के द्वारा और उसके एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया जो है एक पूर्वानुमान है कटाव का, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से जो है आप लोगों के प्रश्न जो है अपने अपने वर्ग में इससे ज़्यादा हो, ताकि आप सभी लोगों का जो चयन इस परीक्षा के माध्यम से हो सके। इस तरीके की शुभकामनाएं परीक्षा परिणाम के आने के पूर्व में है। तो तीन चीज़ें ध्यान रखिए जो आपके पक्ष में है इस बार और कटाफ को कम लाने की संभावना पर काम करते हैं, वो ये कि सीटें ज़्यादा हैं, पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें जो है चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई हैं, तो सीटों की संख्या ज़्यादा होने के कारण से जो मेरिट का जो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से कम जाना संभव है, और इसी तरीके से साक्षात्कार की अनिश्चितताएं यहां पर नहीं है और प्रश्न पत्र के कुछ सेक्शन जो है टफ थे, इसलिए भी मेरिट यहां पे कम जाएगी। अब यहां पर अगर हम आशंकाओं की बात करें तो चयन बोर्ड के द्वारा जो एक नेचर और एक कार्य प्रणाली विकसित की गई पिछले कुछ विषयों के जो है परिणाम को निकालने में, चाहे वो पीजीटी का हो या पिछले वर्षों के जो है टीजीटी के हो, उसमें प्रत्यावेदन के बाद भी चयन बोर्ड ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया और वहां पे जो है ऐसे सवाल जो फाल्स हो सकते हैं उन्हें फाल्स नहीं किया गया, बल्कि ऐसे सवाल जो फाल्स नहीं होने लायक है उन्हें फाल्स कर दिया जाता है। तो जो फाल्स होने लायक होते हैं उन्हें फाल्स नहीं करके जो फाल्स नहीं होने लायक है उनको फाल्स किया जाता है, तो इससे थोड़ी सी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, व्यक्ति अपने प्रश्न पत्रों की जो सही प्रश्नों की जो है एग्जैक्ट संख्या तक नहीं पहुंच पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, ताकि एक सही पूर्वानुमान के साथ परीक्षा परिणाम आए और उस परिणाम में आप लोग जो सफल हो सके। तो इन शुभकामनाओं के साथ ही इस संक्षिप्त चर्चा पर हम जो लोग जो विराम लगाते हैं और आपके जो परिणाम एक सप्ताह से जो है 10 दिन के जो है अंतराल पर जो है आने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ ही यह संक्षिप्त चर्चा हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में पुनः हम इस तरीके से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।